हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेन नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सेशन में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड, इसके पहले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं डीबीएमएस के बारे में। इसमें हम लोग पढ़े थे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग को देखेंगे कि डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, अगर हम डीबीएमएस को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक बात आता है कि डीबीएमएस के पहले हम कौन से सिस्टम का यूज करते थे और इस सिस्टम में ऐसा कौन सा ड्रॉबैक आया जिसके लिए हमें डीबीएमएस को लाना पड़े, या अगर इसको हम ऐसे कहें तो डीबीएमएस में ऐसा कौन सी क्वालिटी है जिसके लिए हमको पुराने सिस्टम्स को हमें छोड़ना पड़े। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, डीबीएमएस के पहले हम लोग फाइल सिस्टम का यूज कर रहे थे। फ्रेंड्स, अगर हम फाइल सिस्टम को समझे, जैसे 1970 या 80s के एरा में क्या होता था कि अगर मान लीजिए अगर हमारे पास कोई डेटा है, हमारा कोई पर्सनल सिस्टम होता था, तो हम क्या करते थे, अपने डेटा को एज अ फाइल के रूप में सेव करते थे। तो ये फाइल हम क्या करते थे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में इसको हम सेव कर देते थे। जब कभी भी इस डेटा की रिक्वायरमेंट होता था तो हम क्या करते थे, जनरली हम अपने सिस्टम में से इस डेटा को क्या करते थे, एक्सेस कर लेते थे। लेकिन अब हम बात करते हैं डीबीएमएस के। फ्रेंड्स, डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता। डीबीएमएस में हमारा जो डेटा होता है वो सर्वर आर्किटेक्चर, मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड होता है। मतलब हमारा डेटा जो एक जगह फिक्स नहीं होता, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं फिक्स होता है कि हमारा डेटा यहीं पे है। मतलब क्या होता था कि फाइल सिस्टम में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ही यूजर जो होता था अपने पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर लेता था। अगर इसको हम डायग्राम समझे तो डीबीएमएस में क्या होता कि मान लीजिए हमारा जो डेटा है एज अ सर्वर, ये हमारा सर्वर हो गया, हमारा डेटा यहाँ पे रखा हुआ, ये हमारा डेटा है। इसमें क्या होता कि बहुत सारे यूजर इसको डेटा को एक्सेस करने के लिए रहते हैं। बहुत सारे यूजर इस डेटा को एक्सेस करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होता था फ्रेंड्स कि इसमें पर्टिकुलर हमारा डेटा होता था, इसी को एक्सेस करना होता। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे यूजर, मतलब हमारा जो डेटा होता है वो एज अ सर्वर पे होता है, जिसमें बहुत सारे यूजर क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है कि आज के समय में फाइल सिस्टम का यूज किया नहीं जा रहा है। फ्रेंड्स, आज के सिस्टम में देखते हैं हम लोग, जनरली हमारे लैपटॉप में देखते हैं कि फाइल सिस्टम भी होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमें कोई भी डेटा हमें सेव करना होता है एज हम लोग फाइल या तो डायरेक्टरी के रूप में ही सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जानते हैं कि आज के समय में डीबीएमएस का यूज क्यों करते हैं, क्यों डीबीएमएस का रिक्वायरमेंट पड़ा। फ्रेंड्स, पहली बात करें तो आज के समय में फ्रेंड्स क्या है कि जैसे मान लीजिए हम आईआरसीटीसी की बात करते हैं, इंटर रेलवे की बात करते हैं, मान लीजिए अगर हमें किसी पर्टिकुलर ट्रेन की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इस डेटा की साइज फ्रेंड्स 1 KB है, अगर इसको फाइल सिस्टम में समझे, अगर मान लीजिए अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में जानने की जरूरत है, अगर फाइल सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जितने भी ट्रेन्स नंबर्स या ट्रेन्स के जितने भी डेटा होते हैं फ्रेंड्स, वो सारे डेटा आ जाते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो हमारा स्पीड कम हो जाता है। मान लीजिए हमें रिक्वायरमेंट तो 1 KB का था, अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ जो हमारा साइज कितना होगा, मान लीजिए 25 GB था, लेकिन हमको तो रिक्वायरमेंट 1 GB का था। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या होता था कि 25 GB हमारे पास डेटा के लिए आ जाते थे। इससे क्या होता था, एक तो हमारा स्पीड कम हो जाता था, डेटा एक्सेसिंग स्पीड हमारा क्या हो जाता था, एकदम स्लो हो जाता था। दूसरा क्या होता था फ्रेंड्स कि हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन हमारा क्या हो जाता था, बहुत ही हाई हो जाता था। इसलिए हम फाइल सिस्टम की जगह डीबीएमएस का रिक्वायरमेंट करने लगे। अगर हम दूसरी अगर इसमें डिफरेंस देखें तो फ्रेंड्स, दूसरा है एट्रीब्यूट्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए अगर हमें किसी डेटा को एक्सेस करना होता तो फाइल सिस्टम में क्या होता था कि किसी भी डेटा को अगर हमें एक्सेस करना होता था तो इसको इसके मेटा डेटा के बारे में जानना होता, मतलब डेटा के बारे में एक्सेस करने से पहले इस डेटा के बारे में हमें जानना जरूरी होता था। मतलब इसके नेम,
इसके लोकेशन के बारे में हमें जानना जरूरी होता तो हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन डीबीएमएस में फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। डीबीएमएस में क्या है कि मान लीजिए अगर हमें आईआरसीटीसी अगर किसी भी ट्रेन की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं कि इसके वेब एप्लीकेशन के आईआरसीटीसी के वेब एप्लीकेशन से कोई एक क्वेरी हम इसके सर्वर पे सेंड करते हैं तो पर्टिकुलर हमें ट्रेन के बारे में सारी डिटेल्स फ्रेंड्स हमको पता चल जाता है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट। अगर हम तीसरी बात करें डिफरेंस की बात तो फ्रेंड्स कॉन्करेंसी, तीसरा क्या है कॉन्करेंसी में फ्रेंड्स क्या होता है। बात यह है कि अगर मान लीजिए अगर हम जैसे आईआरसीटीसी का वेबसाइट या साइट यूज कर रहे हैं तो जरूरी ये नहीं है कि जिस समय हम साइट को यूज कर रहे हैं उसमें कोई एक ही यूजर साइट को यूज कर रहा है। मतलब हमारे जैसे लाखों या हजारों यूजर एक साथ साइट को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता था कि हमें कोई दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए अगर हम हजारों यूजर साथ में मान लीजिए अगर रीड कर रहे हैं किसी डेटा को या तो रीड और राइट कर रहे हैं तो डीबीएमएस में क्या होता फ्रेंड्स कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सर्वर या सॉरी नंबर ऑफ यूजर जब ज्यादा हो जाते तो फाइल सिस्टम में क्या होता था हमारे सिस्टम को क्रैश होने का चांसेस जो होता था बहुत ही ज्यादा हो जाता था। लेकिन हमारे डीबीएमएस में क्या फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ यूजर एक साथ में डेटा को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आईआरसीटीसी में क्या होता है कि फ्रेंड्स कि हंड्रेड्स या मिलियंस लोग एक साथ अपने पैसे को क्या कर सकते हैं टिकट के लिए ट्रांजेक्शन करते रहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये हमारा जनरली कॉन्करेंसी। और फोर्थ बात करें फ्रेंड्स इसमें डिफरेंट तो सिक्योरिटी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी क्या था फ्रेंड्स फाइल सिस्टम में क्या होता था कि अगर हमें लॉगिन पासवर्ड सिस्टम का पता है तो फ्रेंड्स हम इसको लॉगिन करके हम सिस्टम के बारे में क्या करते हैं यहाँ से हम किसी भी ड्राइव में जैसे ड्राइव बी सी डी या किसी भी ड्राइव में जाकर हम डेटा को एक्सेस कर सकते थे। मतलब इसे हमारा जो सिक्योरिटी था बहुत ही लेस ट्रांसपेरेंसी था। लेकिन हमारा डीबीएमएस में क्या होता है फ्रेंड्स अगर मान लीजिए जैसे हम इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी के वेबसाइट पे हम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हम इंडियन नेवी के या इंडियन आर्मी के बारे में इतने ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं कि जितना हमको ये टीम दिखाना चाहती है। हम इससे ज्यादा डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम कॉलेज में होते हैं तो अगर मान लीजिए अगर जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स होते हैं टीचर्स होते हैं हमारे प्रोफेसर्स होते हैं हमारे डीन होते हैं हमारे रजिस्ट्रार्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो डेटा हम एक्सेस कर रहे हैं वही हमारे डीन एक्सेस कर रहे हैं वही हमारे प्रिंसिपल एक्सेस कर रहे हैं या हमारे प्रोफेसर। मतलब हमारे लिए कुछ दूसरा नोटिफिकेशन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ दूसरा नोटिफिकेशन होता है और डीन के लिए कुछ दूसरा नोटिफिकेशन होता है। मतलब इसमें क्या होता है जो हमारा डेटा होता है फ्रेंड्स डीबीएमएस में रोल्ड में क्या होता है कि हम जितना डेटा पर्टिकुलर पर्सन को दिखाना चाहते हैं इतने ही डेटा को हम फ्रेंड्स दिखा सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता था कि अगर हम यूजर नेम पासवर्ड अगर किसी भी सिस्टम का जान जाते थे तो इससे हम क्या करते इसके पूरे फाइल को या पूरे डेटा को एक्सेस कर लेते थे। लेकिन डीबीएमएस में फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। पांचवा डिफरेंस फ्रेंड्स हम देखें तो इसमें है बैकअप में क्या होता कि अगर हमारे फाइल सिस्टम में एक बार हमारा डेटा वॉस्ट हो जाता था तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कर सकते थे बैकअप नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे डीबीएमएस में ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए हमारा डेटा कैसे भी अगर एक बार वॉस्ट हो गया तो इसको हम इसकी रिकवरी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स छठवां हम इसमें देखें तो डुप्लीकेशन क्या होता है कि फाइल सिस्टम में क्या होता था कि फ्रेंड्स एक ही डेटा अगर हम डिफरेंट नेम से फ्रेंड्स अगर हम सेव करते तो हमारे सिस्टम में सेव हो जाता था। लेकिन डीबीएमएस में ऐसा नहीं है। अगर एक प्रकार का डेटा हम सेव करेंगे तो हमारे सिस्टम में नहीं सेव होगा। तो फ्रेंड्स जनरली ये था हमारा फाइल और डीबीएमएस में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। थैंक्स टू एवरीवन।